नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक स्टॉक जो आप सभी के साथ लगभग आज से 4 से 5 महीने पहले शेयर किया था और शेयर करा था लॉन्ग टर्म पर्पस से। फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट का एक कोर्स भी मैंने उसी समय लॉन्च किया था लगभग 4-5 महीने पहले। उस शेयर को मैंने उस कोर्स में भी आपके साथ डिस्कस किया था, जहां पे प्रॉपरली आपको बोला था डबल होगा आपका पैसा, बेचना नहीं है, समय मुझे आपको किसी को नहीं पता, ऊपर वाले को पता है और उससे डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं कि हमें आके वो बोल दे कि बेटा ये तो इस दिन भागेगा तो उससे पहले खरीद लियो, तो वो सारी चीजें तो आपके और मेरे बस में है नहीं। लेकिन इतना जरूर पता होता है हमें कि ये शेयर अच्छा करेगा खराब करेगा और उसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं तो कॉन्फिडेंस मिल जाता है, और अगर वो शेयर चला नहीं होता है तो डबल कॉन्फिडेंस हो जाता है। बट जो वीक इन्वेस्टर होते हैं ना, जो नए इन्वेस्टर होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है अगर शेयर का प्राइस चला नहीं है तो। देखिए, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले स्टॉक का नाम बता देता हूं मैं आपको। स्टॉक का नाम है मैकडॉवेल, जिसे आप यूनाइटेड स्पिरिट्स के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता चल गया होगा कि भैया हाँ जी, आपने शेयर किया था और शेयर किया था 770 रुपए पे। डिस्क्लेमर के रूप में मैं आपके साथ कंटिन्यू कह रहा हूं कि जब आपके साथ शेयर किया था तब खुद भी खरीदा था, आपके साथ भी शेयर किया था, जो चीजें आपको बताई थी वही खुद को बताई थी, उन्हीं पे डटा हुआ हूं और रोका हुआ हूं। देखिए, कभी कभार एक अच्छा शेयर पकड़ लेते हो आप लेकिन उसे रोक नहीं पाते। अब 770 पे जो लोग नहीं ले पाए, 810 पे आने के बाद वो लोग वेट करते रहे, मौका ही नहीं दिया शेयर ने आपको, नीचे नहीं आया शेयर, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर चला गया। और जिन्होंने खरीदा, उन्होंने किसी ने 850 पे बुक करा, किसी ने 850 पे, किसी ने 870 पे, किसी ने 900 पे। आज शेयर हो गया है 1030 रुपए का। कल लाए थे क्वार्टरली नंबर और नंबर्स के बाद तूफानी तेजी में दिख रहा है स्टॉक, लगभग 60 रुपए ऊपर 1034 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अब आप लोग, मुझे पता है सबसे पहला सबके दिमाग में जो कमेंट आ रहा होगा कि क्या अब खरीद लें। अब मेरा भी एक सवाल है, 770 वाला 1000 हो गया है, मैंने 770 पे लिया था, मैं तो 40% प्रॉफिट में बैठा हूं। अब 40% ऊपर आप मेरे से कह रहे हो खरीद ले, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा? नहीं होगा। लेकिन मैं नहीं बेच रहा, क्यों? क्योंकि भैया मेरे पास बहुत नीचे की खरीद है, मेरे पास गुंजाइश है। फ्रेश एंट्री का मतलब होता है यहां से 20 रुपए भी घटा तो आपका लॉस, फ्रेश एंट्री वाले को तो लॉस ही हो रहा है ना, लेकिन मेरा क्या, मेरा हल्का प्रॉफिट कम हुआ, मैं पूरा प्रॉफिट नहीं ले सकता, मुझे भी पता है। तो फ्रेश एंट्री और जिनके पास पहले से है उनके लिए, दोनों के लिए अलग राय होती है। एक एग्जाम्पल छोटा सा, बहुत ही लेटेस्ट, मैंने पहली वीडियो में उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के ऊपर आपके साथ क्या बोला था, 40 रुपए की लिस्टिंग है, 39 पे ट्रेड कर रहा है, बेचना मत, 35 रुपए का एसएल रखो, मुझे लगता है 45 से 50 रुपए जाना चाहिए। सुबह पहली वीडियो जाके देख लो, ज्यादा दूर नहीं जाना। और ये भी कहा था कि फ्रेश एंट्री नहीं, जिनको आईपीओ अलॉट हो गया है, किस्मत वाले हैं, वो मत बेचना, क्योंकि भैया क्यूआईबी ने सबसे ज्यादा भरा है, बाजार का मूड खराब है इसलिए नीचे, अदरवाइज डबल होना था इस शेयर को आज ही। तो आपने वहां पे 40% बचाया, नहीं बचाया, 60% वाला 100% हो गया। तो फ्रेश एंट्री के लिए एक डर होता है, लेकिन जिनके पास है उन पे गुंजाइश होती है तो वो रोक सकते हैं। अब मैं फ्रेश एंट्री के लिए आपसे कह दूं तो भाई वो मैं कर नहीं पाता कि उड़ते तीर को हमेशा पकड़ने की, वो मेरे बस की बात नहीं है। अब उनसे जरूर कहूंगा जिन्होंने खरीदा है कि आपकी कंपनी के कल नतीजे आए हैं, एक बार नतीजे रिपीट कर दूं, और नतीजे आए हैं बेहद शानदार लंबे समय बाद। और ये एक ऐसा स्टॉक है, मैंने आपको मतलब आपके साथ मैंने फंडामेंटल भी शेयर करे थे, जो एक बार रिपीट करूंगा अभी वीडियो में। देखिए, प्रॉफिट आपका आ रहा है 210 करोड़ से बढ़कर 238 करोड़ पे, मार्जिन आपके डबल हो गए हैं, रेवेन्यू में भी अच्छी कहीं ना कहीं सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत दिख नहीं रही है पूरे के पूरे नंबर्स में, और इसी के दम पर स्टॉक आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स में नजर डालिए, जहां पे एवरेज वॉल्यूम इस स्टॉक का 8-9 लाख शेयर का है, उसके सामने 56 लाख शेयर ट्रेड हो रहे हैं। देखिए, रेवेन्यू घटा है इसका साल दर साल, लेकिन जो कि मार्जिन बहुत हैवीली बढ़ गए हैं, डबल हो गए, इसलिए प्रॉफिट आपको अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो आपको दिखेगा एक बहुत तगड़ा एक्सेप्शनल जंप, बेहद शानदार। ईयर ऑन ईयर बेस पे उतना मजा नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे पता चलेगा आपको कितने तगड़े नंबर हैं। अब सिर्फ और सिर्फ यही बोलूंगा, जिनके पास ऑलरेडी है बेचने की राय बिल्कुल नहीं है, बने रहो, अब आप ट्रेलिंग एसएल लगा सकते हो। अब आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, देखिए भाई, स्टॉप लॉस थोड़ा सा अगर डीप रख सकते हैं तो आएगा 960-70 के समथिंग का। 960-70 नहीं रख सकते हैं तो फिर आप आज का लो भी देखेंगे तो 975 है, तो 970-60 से पहले तो कोई एक्चुअल में एसएल आ ही नहीं रहा, उसके नीचे रखना है तो आप अपने हिसाब से, अपनी बाइंग के हिसाब से कि मैं इतनी प्रॉफिट में सेटिस्फाई करूंगा, वो रख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा जो मैंने आपके साथ उस समय शेयर करी थी। हाँ, एक चीज और, मैंने 3-6 महीने के लिए शेयर नहीं करा था, मैंने कहा था 2-3 साल के लिए, 6 महीने में रिटर्न बन गया तो हमारी किस्मत है वो। तो मैंने जो चीजें आपके साथ उस समय शेयर करी थी वो क्या थी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कंपनी का पीई रेशियो जो होता है ना, वो इसके वैल्यूएशन डिस्क्राइब करता है। अब पीई रेशियो देखूंगा तो कंपनी ऊपर में लगभग
एक समय ऐसा था जहाँ पे 100 के पी पे ट्रेड कर रहा था स्टॉक, कितने पे 100 के पी पे, मोर देन 100 के पी पे, और जब हमने आपके साथ शेयर किया था तो 46 के पी पे था। तो पहली बात तो अगर प्रॉफिट सेम भी रहता है ना, सिर्फ बाजार के बुल रन में उस पी पे भी पहुंच जाता है तो भी मेरा पैसा डबल हो जाएगा। समझने की बात करो, उस पी पे भी पहुंच गया तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। अभी आ गया 61 के पी पे, 61 के पी पे हो चुका है, हमने जब खरीदा तो 45 टू 46 के पी पे था। तो ये वैल्यूएशन बढ़िया है, ऊपर से प्रॉफिट भी आ रहा है तो भैया और कॉन्फिडेंस आने लगा हमें। तो अब प्रॉफिट देख लीजिए, FY21 में 361 करोड़ का प्रॉफिट था, FY22 में 800 करोड़ का प्रॉफिट था, FY23 में 1126 करोड़ का प्रॉफिट था, करंटली TTM बेसिस पे 1350 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब कि डबल बोनेंसा चल रहा है, आपका पी तो सस्ता है पहले के मुकाबले, पहले मीन जो उसका हाईएस्ट पी की बात कर रहा हूं, एवरेज की नहीं, हाईएस्ट, और आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो किसी भी बुल केस में बाजार के इसने अपने हाईएस्ट पी को टच करा तो ये स्टॉक 3 गुना होगा, 700 रुपए से 2100 रुपए का होगा, यानी कि यहां से भी डबल होगा। हाँ जी, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट तो जाना चाहिए, बुल के सिनेरियो में स्टॉक अपने हाईएस्ट पीई पे पहुंचना चाहिए। अभी भी 60 का पीई है, 100 के पीई पे आता है तो पता है कितने का शेयर हो जाएगा, 1800 रुपए का, क्योंकि 18.5 रुपए का अर्निंग पर शेयर है, 100 × 1.5 करोगे तो 1850 रुपए का होता है, तो हाईएस्ट पीई पे अभी भी चला गया तो भी 1850 हो जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि अगर डिप मिलती है तो लेना, अदरवाइज मत लेना, क्योंकि खरीदते ही गिर जाता है तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है। ये सारी चीजें मैंने आप सभी के साथ तब भी शेयर की थी, अब भी शेयर कर रहा हूं, और अगर आपको लगता है भाई ये सारी चीजें नहीं बोली थी तो मैं आपको फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट का कोर्स का लिंक दूंगा, उस पर आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा उस वीडियो के लिए, तो आप छोड़ दीजिए अब मैं, क्योंकि उस कोर्स के 5-7 स्टॉक थे जो ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स पे आ गए, तो मैंने लिंक डिस्क्राइब कोर्स में डालना बंद कर दिया है। अब कभी नेक्स्ट पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, बट हाँ जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पता है यही सारी चीजें शेयर करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।